व्यम राष्ट्रे व्यम राष्ट्रे ब्रह्मधान चोतुरा की देश और दुनिया संक्रमण के दौर से गुजर रही है। आपदा से देश और दुनिया में उथल पुथल है। हमारा समाज भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। इस विचित्र दौर में समाज हित का आगाज करने के लिए क्रांति जी मैं मनपूर्वक आपका अभिनंदन करता हूं। साधुवाद। कोरोना चला जाएगा, वैक्सीन बन जाएगा, किंतु कोरोना के बाद की दुनिया पहले जैसी नहीं रह सकती, नहीं रहेगी, बहुत अंतर आएगा। इस संदर्भ में जब हमारे समाज के बारे में विचार करते हैं तो स्पष्ट है कि हमारा समाज मुख्य रूप से कृषि एवं लघु व्यवसाय पर निर्भर है। हमें विकट आर्थिक स्थितियों से रूबरू होना होगा। आपदा के इस संकट को अवसर में बदलने का महत्वपूर्ण कार्य हम इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। कृषि के नए तौर तरीकों, ऑर्गेनिक खेती के अवसरों के बारे में इस चैनल के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। मोदी सरकार ने आपदा के आत्मनिर्भर पैकेज में कृषि विस्तार और लाभ के अवसरों के प्रति विशेष ध्यान दिया है। आज किसानों को बिचौलियों और मंडी के दलालों से मुक्त कर दिया गया है। अपने उत्पाद का मालिक वह स्वयं है। अपनी लागत व विक्रय का निर्धारण करने का अधिकार उसे दे दिया गया है। तो इस परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए हमारे किसान को तैयार करना होगा। इसी के साथ सूक्ष्म उद्योग की भी परिभाषा बदल चुकी है। आर्थिक सहयोग की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दी गई है। करीब करीब हमारे 90% व्यवसायी वर्ग इससे लाभान्वित होकर अपना व्यवसाय विस्तार कर सकता है। हम इस चैनल के माध्यम से कैरियर ओरिएंटेड सुशिक्षित युवाओं को मेक इन इंडिया के अवसरों की तरफ और उसकी चुनौतियों से रूबरू कराकर अपने हित में उसका अधिक से अधिक दोहन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा समाज इस अवसर को उपलब्धि में बदलने के पीछे नहीं रहेगा। सिर्फ है तो जागरूकता आदि अभियान और उचित तकनीकी प्रबोधन का, जिसका माननीय बिशन सिंह जी आप इस चैनल के माध्यम से अधिक दोहन कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। ईश्वर में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे।